नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उस आंगनबाड़ी केंद्र को नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय के साथ टैग करने के संबंध में एक लेटर जारी किया गया है, जो कि ICDS विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ है, जिस लेटर में आपको बताने वाले हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको प्राथमिक विद्यालय में टैग किया जाएगा। जैसे कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को मालूम है कि ये जो टैगिंग का कार्य है काफ़ी दिनों से चल रहा है। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र को टैग किया जाएगा, इसके संबंध में आपसे कुछ जो डिटेल्स है वो भी मांगी गई है, लेकिन धीरे धीरे आंगनबाड़ी केंद्र को नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में टैग कर दिया जाएगा, जो कि ICDS विभाग की तरफ से जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से भी एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कि आंगनबाड़ी केंद्रों को टैग करने के बारे में जो दिशा निर्देश थे उसको बताए गए थे। तो चलिए अब हम लोग इस लेटर में देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। जैसे कि इस लेटर को जारी करने का जो तारीख है वो 5/10/2021 को जारी किया गया है और इसकी संचिका संख्या है 50/82। देख सकते हैं बिहार सरकार ICDS निदेशालय की तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है और इस लेटर के जो निदेशक हैं वो ICDS और सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को ये लेटर भेजा गया है। और इस लेटर का जो विषय है, विषय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र को नज़दीकी प्राथमिक विद्यालयों के साथ टैगिंग करने के संबंध में इस लेटर को जारी किया गया है। और नीचे ही आप लोग देखेंगे कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रांक 59/20 दिनांक 18/9/2021 यानी कि 18/9/2021 को बिहार शिक्षा परियोजना के तरफ से भी लेटर जारी किया गया था आंगनबाड़ी केंद्र को नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में टैग करने के संबंध में। आइए नीचे देखते हैं, महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की, देख सकते हैं, राज्य की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की नज़दीकी सरकारी विद्यालय के जहां कक्षा एक की पढ़ाई होती है के साथ संबद्ध टैगिंग करने का निर्देश दिया गया है। देख सकते हैं कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र को बताया गया है कि राज्य के जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को जहाँ पे कक्षा एक की पढ़ाई होती है, 1 से लेकर 4 तक की पढ़ाई होती है, उस नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र को टैग किया जाएगा। उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को नज़दीकी सरकारी विद्यालय से टैग करने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो जो ICDS विभाग का जो लगातार प्रयास है वो प्रयास किया जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय में टैग कर दिया जाए। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र अभी बंद है और कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी कार्य किए जा रहे हैं, तो इस आंगनबाड़ी केंद्र को प्राथमिक विद्यालय में जल्द ही टैग कर दिया जाएगा। और आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से पहले लगता है कि इसको टैगिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।